नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 नवम्बर 2021 की आपकी राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, दिन सोमवार के दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन उत्तरा भाद्रपदा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। इसके बाद दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों वज्र नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातः काल 1:35 रहेगा, उसके उपरांत सिद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 8:06 से लेकर सुबह के 9:27 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मीन राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश हमारी ही होनी चाहिए। कहते हैं कि किस्मत पलटती है, पर जिसकी व्हील पलटती है पलट कर रख देती है। एक ही बात अच्छी है, इन लकीरों में धोखा देती है, पर रहती हमारे हाथों में ही है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, कर्म को बोओ और आदत की फसल काटो, आदत को बोओ और चरित्र की फसल काटो, चरित्र को बोओ और भाग्य का फसल काटो। तकदीर के लिखे पर शिकवा ना कर, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ है कि रब के इरादे समझ सके। फर्क तो होता है खुदा और फकीर में, फर्क तो होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो चलिए, इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में अपने जीवन शैली को और अधिक उत्तम बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। रुके हुए पारिवारिक कार्य को सहजता व फिर सरलता से आप पूरा करेंगे। दोस्तों, रिश्तेदारों की आवभगत में भी समय व्यतीत होगा। दोस्तों, आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में भी यश में आपकी रुचि रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। आर्थिक मामलों में काफी सूझबूझ व फिर सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यश में किसी को भी उधार पैसा न दें, अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, व्यर्थ के कामों में अपना समय को यश में नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आप जो भी काम खुद होकर करेंगे उस काम में आपको प्रगति नजर आएगी। दोस्तों, दूसरों पर दिखाई निर्भरता केवल नाराजगी दिला सकती है। निर्णय लेते समय करीबी लोगों के साथ विचार विमर्श जरूर करें। पेशे से जुड़े निर्णय लेते समय दोस्तों योग्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन लेना आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप सोच समझकर या फिर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों की मदद से उलझे हुए कार्य भी यश में सुलझेंगे। रुका हुआ पेशा भी प्राप्त होगा जिससे आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, दूर दराज रह रहे लोगों से संपर्क बनेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में परंतु दिन का दूसरा पक्ष कुछ परीक्षा वाला रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा तथा अपने कार्यों को ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ जो है होते हुए भी खालीपन सा आपको महसूस होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में जिन कार्यों को आप बहुत ही सहज और सरल समझ रहे थे दोस्तों, उन्हीं में कुछ परेशानियां आ सकती है। वही दोस्तों, यश में जो गलतियां आपके द्वारा हुई नहीं है उन गलती का इल्जाम भी आपके ऊपर आने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख पहुंच सकता है। परिजनों के साथ यश में जो है दूरियां बनाकर रखें, ये आपके लिए ठीक रहेगा।
इसके उपरांत ही दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का उचित समय होगा। युवाओं की योग्यता उभर कर सामने आएंगी। दोस्तों अपने लक्ष्य को हासिल करने में आप काफी हद तक सफल रहेंगे। मानसिक कार्य यश में संपन्न होंगे। साथ ही दोस्तों किसी की उचित सलाह भी आपके लिए यश में फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में विवाह युग लोगों को किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों आलस्य यश में आपके ऊपर हावी रहेगा। आपके क्रोध की वजह से कई बनते कार्य भी यश में बिगड़ सकते हैं। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उनको अच्छी तरह से पढ़ना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत बातों में संतुलन बनाए रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत बातों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। दोस्तों परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप व्यक्तिगत प्रगति पर भी ध्यान दे पाएंगे। परिवार के व्यक्तिगत द्वारा मिला सहयोग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे सामाजिक तथा पारिवारिक कार्यों में व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों यश में आपको किसी विशेष समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है जिससे दोस्तों मानसिक संतोष बना रहेगा। आप अपने कार्य को उसे पूरा उत्साह से निपटाएंगे और इसका बेहतर नतीजा भी आपको मिलेगा। दोस्तों संभावनाओं के नए द्वार भी यश में खुल सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी की गलत सलाह आपके लिए थोड़ा सा परेशान आपको कर सकती है। यश में कलह तथा वाद विवाद की स्थिति से आप दूर रहने की कोशिश करें, ये आपके लिए फायदा होगा। दोस्तों अपने गुस्से तथा वाणी पर नियंत्रण रखें। जमीन जायदाद संबंधी किसी भी कार्य को यश में स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों जीवन में आ रही बार बार असफलता की वजह से आपके अंदर डर पैदा हो रहा है। दोस्तों यश में डर को मिटाने की कोशिश करें और यश में आप काफी हद तक सफल रहेंगे। दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण काम न करें और मन की शांति बनाए रखने की यश में आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय की कड़ी चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु दोस्तों आप अपनी सोच द्वारा परिस्थितियों को हल करने में भी सफल रहेंगे। धन प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। यश में जो है आत्मसमर्थन करने का समय होगा। दोस्तों यश में आपके लचीले रुख के कारण जो है बिगड़ी बातें भी यश में आपके लिए बन जाएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दिए गए टारगेट को पूरा कर पाना आपके लिए संभव होगा, लेकिन दोस्तों यश में आपको बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे उच्च अधिकारियों से संपर्क व्यवसाय में लाभदायक साबित होगा। व्यवसाय की दृष्टि से ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है। दोस्तों नए नए अनुबंध मिलेंगे जो कि आगे चलकर लाभदायक साबित होगा, परंतु दोस्तों ऑफिस में अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है, इस वजह से आप सतर्क और सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यह समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयत्न ना करें, जैसा चल रहा है उसी में संतोष रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों नौकरी से जुड़ी समस्याएं भी सामने आएंगी। यश में किसी भी गतिविधि पर सोच समझकर निर्णय लेने से आपके लिए समय फायदेमंद रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में आप अपनी कुशलता द्वारा उन्नति प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपके कार्य करने की तकनीक बहुत ही बेहतरीन होगा, परंतु अपने विरोधियों से यह समय आप सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों ऑफिस में भी की हुई कोई भी नया काम आपके लिए मुनाफा दे सकता है, जिसकी वजह से आपको पदोन्नति भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। एक दूसरे का सम्मान करना संबंधों में और अधिक नैतिकता लाएगा। दोस्तों व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय को यश में नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे घर का वातावरण सुखद रहेगा तथा पारिवारिक जनों के बीच आपसी तालमेल भी उचित बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए जो है पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों पति पत्नी का आपसी तालमेल बढ़िया रहेगा। घर और जिंदगी सभी हर बात को व्यवस्थित बनाकर रखेंगे। दोस्तों यश में किसी विवाह कार्यक्रम में जाने का भी आपको आमंत्रण प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों जीवन साथी तथा पारिवारिक लोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा। विवाहित जीवन जो है यश में मधुर रहेंगे। दोस्तों गलत संबंधों से यश में आप दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें
वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों अतिरिक्त काम के दबाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। यश में थकान और बदन दर्द जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे शाम तक स्वास्थ्य उत्तम होगा, परंतु दोस्तों वंशानुगत बीमारी की नियमित जांच करवाना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों खांसी जुकाम तथा बुखार जैसी भी परेशानी रह सकती है। दोस्तों बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यश में रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।